हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यंजन द कुकरी क्लासेस बाय शेफ मीरा रस्तोगी। दोस्तों, आजकल गर्मियों का मौसम है और हम हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ, पान कुल्फ़ी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। चलिए शुरू करते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने ये हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, हाफ कप और हाफ कप दो जगह लिया है मिल्क मेड, मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर, चेरी कैंडीज गार्निश के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ग्लूकन भी गार्निश के लिए, एक मीठा पान और ग्रीन कलर। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हाफ लीटर मिल्क ऐड कर देती हूँ। अभी हम गैस फुल रखेंगे और मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। मिल्क पाउडर हमेशा ठंडे दूध में ही ऐड करना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा भी मिल्क गर्म हो जाता है फिर इसमें लम्स आ जाते हैं। ये गरम हो चुका है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूंगी और साथ ही मिल्क मेड भी ऐड कर देंगे। हमने जो हाफ कप मिल्क अलग रखा हुआ है उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। अब इसे लगातार स्टर करते रहेंगे। शुरू में हमें 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए। हमारे मिल्क में बॉईल आना शुरू हो गया है, अब मैं फ्लेम रिड्यूस कर देती हूँ। अब जो हाफ कप मिल्क अलग रखा हुआ था मिक्सी के जार में डाल देंगे, मीठा पान डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन कलर की ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, पान कुल्फ़ी बनाने के पीछे दो रीज़न होते हैं। एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और दूसरा पान की अपनी ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है। जैसा आप सभी जानते हैं, पान कैल्शियम में रिच होता है जो हमारी बोन्स के लिए और सब चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिल्क को पकते हुए 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा पकने देंगे। लगभग इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसमें जो हमने मिक्सर ब्लेंड करा था वो मिक्स कर देंगे और इसमें बॉईल आने देते हैं। इसे दूध को थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। कुल्फ़ी का जो दानेदार टेक्सचर होता है इसको ज़्यादा पकाने से ही आता है। देखिए, हम इसे लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। टोटल टाइम हमें 10 to 20 मिनट्स लगते हैं। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब आप भी इसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका फ्लेवर आपको कैसा लगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि अगली रेसिपी आपको क्या सीखनी है। देखिए, ये पककर अब तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, लगभग ये आधा हो चुका है। अब मैं फ्लेम स्विच ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसे ठंडा होने पर कुल्फ़ी मोल्ड के अंदर भरेंगे। ये कुल्फ़ी मोल्ड हैं, इनके अंदर भरकर इन्हें फ्रीज कर देंगे। पान कुल्फ़ी का टेक्सचर आप देखें, कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं ग्लूकंद के साथ। ग्रीन चेरी कैंडीज लेंगे, थोड़ी सी रेड चेरी कैंडीज। देखिए, ये देखने में कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो चुकी है आज की रेसिपी पान कुल्फ़ी। और अब आप भी बनाइएगा इसे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल व्यंजन द कुकरी क्लासेस बाय शेफ मीरा रस्तोगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।